नमस्कार, मैं जितेंद्र पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और आज हम चर्चा करेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। इस लेक्चर को देखने और समझने के बाद आप सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री जान पाएंगे, आप कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर के बीच के अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे, आप प्रोग्राम को परिभाषित कर पाएंगे, आप डीबगिंग प्रोसेस को समझ पाएंगे तथा उसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कर पाएंगे, आप फॉर्मल और नेचुरल लैंग्वेजेस के बीच के अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे तथा आप एक पहला सिंपल सी प्रोग्राम लिख पाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग या किसी समस्या को सुलझाना। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर में प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रॉब्लम के समाधान या सॉल्यूशन के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने और विचार करने की क्षमता होनी चाहिए तथा समस्या के समाधान को स्पष्ट और सटीक तरीके से व्यक्त करने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो हम इस कोर्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का भी अभ्यास करेंगे। यह कोर्स में जो प्रोग्रामिंग भाषा आप सीख रहे हैं वो सी है, जिसे विकसित किया गया था बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिची द्वारा 1970 के दशक की शुरुआत में। सी एक उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज का। आपने कुछ अन्य हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पास्कल, C++, जावा आदि के बारे में भी सुना होगा। जैसा कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज का नाम से अनुमान लगा लिया होगा, कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं जिन्हें कभी कभी मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो कंप्यूटर केवल लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट या निष्पादित कर सकता है। इस प्रकार हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन करने से पहले उनका लो लेवल लैंग्वेज में अनुवाद या ट्रांसलेशन किए जाने की आवश्यकता होती है। इस ट्रांसलेशन में कुछ समय लगता है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करने का एक छोटा सा नुकसान भी है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने पर होने वाले फायदों के सामने यह कुछ भी नहीं है। सबसे पहला फायदा यह है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। आसान से मेरा मतलब है कि प्रोग्राम को लिखने में कम समय लगता है, यह छोटा तथा पढ़ने के लिए आसान है और इसके सही होने की संभावना अधिक है। दूसरा बड़ा कारण है हाई लेवल लैंग्वेजेस पोर्टेबल होती हैं, जिसका अर्थ है हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम सभी प्रकार के कंप्यूटर या प्लेटफॉर्म पर आंशिक या बिना किसी संशोधन के साथ रन कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, अर्थात उन्हें किसी खास प्लेटफॉर्म या कंप्यूटर को ध्यान में रखकर लिखा जाता है और वह केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म या कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में रन करने के लिए उस प्रोग्राम को उस नए प्लेटफॉर्म के हिसाब से दोबारा लिखा जाना होगा। इन्हीं फायदों के कारण लगभग सभी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस का उपयोग केवल कुछ विशेष एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के दो तरीके हैं, इंटरप्रेटिंग और कंपाइलिंग। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। असल में यह प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि प्रोग्राम की एक लाइन को पढ़ता है, लाइन में दिए हुए निर्देश के अनुसार कमांड को एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन को पढ़ता है और एग्जीक्यूट करता है। इस प्रकार शुरू से अंत तक पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करता है। दूसरी तरफ कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले एक हाई लेवल प्रोग्राम को पूरा एक साथ पढ़ता है और एक साथ में ट्रांसलेट करता है। अक्सर प्रोग्राम को कंपाइल एवं एग्जीक्यूट अलग अलग चरणों में किया जाता है। पहले चरण में प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, फिर दूसरे चरण में कंपाइल्ड कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। हाई लेवल प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है और ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड या एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लें कि आप सी में एक प्रोग्राम लिखते हैं। आप प्रोग्राम लिखने के लिए किसी
टेक्स्ट बेस्ड एडिटर का उपयोग करते हैं। एक टेक्स्ट एडिटर एक साधारण वर्ड प्रोसेसर है। जब प्रोग्राम पूरा लिख लिया जाता है तो आप इसे program.c नाम के फाइल में सेव करते हैं। सेव करते समय जहां प्रोग्राम की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के नाम के बाद लिखा जाने वाला प्रत्यय .c लिखना आवश्यक है, जो इंगित करता है कि फाइल में सी का सोर्स कोड है। फिर आपके प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा कि आप टेक्स्ट एडिटर छोड़ सकते हैं और कंपाइलर चला सकते हैं। कंपाइलर आपके सोर्स कोड को पढ़ेगा, इसे ट्रांसलेट करेगा और एक program.o नाम की नई फाइल जिसमें प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड है तैयार करेगा, या फिर program.exe जो कि एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार फाइल है तैयार करेगा। अगला कदम प्रोग्राम को रन करना है, जिसके लिए एग्जीक्यूटर की आवश्यकता होती है। एग्जीक्यूटर की भूमिका प्रोग्राम को डिस्क से कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करना है और कंप्यूटर को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना प्रारंभ करने में सहयोग करना है। यद्यपि सुनने में यह प्रक्रिया जटिल प्रतीत होती है, परंतु अधिकांश प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, जिन्हें कभी कभी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, में यह चरण आपके लिए स्वचालित होते हैं। आमतौर पर आपको केवल एक प्रोग्राम लिखना होगा और फिर एक बटन दबाना होता है, या कंपाइल करने और चलाने के लिए एक ही कमांड टाइप करना होता है। आइए चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस है जो बताता है कि कंप्यूटर द्वारा क्या कार्य या ऑपरेशन किया जाना है, किस सीक्वेंस में किया जाना है। जिस इनपुट वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। इंस्ट्रक्शन ये भी बताता है कि किन ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन या गणना की जानी है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ बुनियादी ऑपरेशन का निष्पादन कर सकती है, जैसे इनपुट, कीबोर्ड या फाइल या किसी अन्य डिवाइस से डेटा प्राप्त करना, आउटपुट, स्क्रीन पर डेटा प्रदर्शित करना या किसी फाइल या अन्य डिवाइस पर डेटा भेजना, मैथ्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ गुणा आदि करना, टेस्टिंग, कुछ कंडीशंस को चेक करना तथा स्टेटमेंट्स को उपयुक्त सीक्वेंस में निष्पादित या एग्जीक्यूट करना, रिपीटेशन, कुछ एक्शंस या क्रियाओं को लगातार दोहराते रहना। कंप्यूटर लगभग यही कार्य करता है, चाहे दिखने में इंस्ट्रक्शन कितने भी जटिल लगते हो, लेकिन वो लगभग उपरोक्त दर्शाए गए ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग एक बड़े जटिल कार्य या टास्क को छोटे और उप कार्य या सब टास्क में तोड़ने की प्रक्रिया है, जब तक कि ये सब टास्क अंततः उपरोक्त दर्शाए गए बेसिक ऑपरेशंस के रूप में नहीं आ जाते, जिन्हें कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रोग्रामिंग एक जटिल प्रक्रिया है और चूंकि यह मनुष्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रोग्रामिंग में अक्सर त्रुटियां या गलतियां की गुंजाइश रहती है। प्रोग्रामिंग एरर्स को बग कहा जाता है और उन्हें ट्रैक करना और उन्हें सही करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ अलग अलग प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं और उनके बीच अंतर करना उपयोगी होता है। आइए जानते हैं इन बग्स के बीच में क्या अंतर है। कंपाइल टाइम एरर्स। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जा सकता है जब वो सिंटैक्टिकली करेक्ट हो, अन्यथा की दशा में कंपाइलेशन फेल हो जाएगा तथा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंटैक्स आपके प्रोग्राम की संरचना और उस संरचना के नियमों को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में एक वाक्य कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आना चाहिए। यह इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है तथा इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए रूल्स ही ग्रामर है। इन रूल्स के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं। मनुष्य साधारणतः अगर वाक्य या सेंटेंस में कोई अशुद्धि भी हो तो सही वाक्य का अनुमान लगाकर उसे पढ़ लेता है तथा उसके सही अर्थ का अनुमान भी लगा लेता है, लेकिन कंपाइलर्स प्रोग्रामिंग में की गई किसी भी गलती को अनदेखा नहीं करता। यदि आपके प्रोग्राम में कहीं भी एक सिंटैक्स एरर है तो कंपाइलर एक एरर मैसेज प्रिंट करेगा और क्विट कर देगा और आप अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश से भी ज्यादा सिंटैक्स रूल्स हैं तथा कई मामलों में कंपाइलर से प्राप्त एरर मैसेज अक्सर बहुत उपयोगी नहीं होते हैं।
आपको प्रोग्रामिंग कैरियर में पहले कुछ हफ्तों के दौरान आप शायद सिंटैक्स एरर को ट्रैक करने में काफ़ी समय व्यतीत करेंगे। जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं, आप कम त्रुटियां करेंगे और उन्हें तेजी से ढूंढेंगे। दूसरे प्रकार का एरर है रन टाइम एरर। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्रकार के एरर तब तक प्रकट नहीं होते जब तक आप प्रोग्राम को रन नहीं करते। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जैसी सेफ नहीं है, जहां रन टाइम एरर्स बहुत ही रेयर होती हैं। सी प्रोग्रामिंग आपको वास्तविक कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत करीब पहुंचने की क्षमता प्रदान करती है। सी में अधिकांश रन टाइम एरर्स इस वजह से होती हैं क्योंकि सी लैंग्वेज मेमोरी में डेटा की पहुंच या ओवरराइटिंग के विरुद्ध कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। तीसरी प्रकार की एरर है लॉजिकल और सिमेंटिक एरर। यदि आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है तो वह प्रोग्राम कंपाइल और रन करेगा, कंप्यूटर कोई एरर मैसेज नहीं जनरेट करेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन के माध्यम से जो अभीष्ट कार्य करने का निर्देश दिया गया है वह पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोग्राम आपके द्वारा लिखा गया है दरअसल वो प्रोग्राम नहीं है जिसे आप लिखना चाहते थे। प्रोग्राम का अर्थ यानी सेमेंटिक्स गलत है। लॉजिकल एरर्स की पहचान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि प्रोग्राम के आउटपुट को देखकर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि प्रोग्राम कैसे प्रोसेस हो रहा है। डीबगिंग प्रोग्रामिंग के सबसे बौद्धिक रूप से समृद्ध, चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प भागों में से एक है। डीबगिंग की तुलना जासूसी से की जा सकती है, जिसमें आपको सुराग ढूंढना पड़ता है और आपको उन प्रक्रियाओं और घटनाओं का अनुमान लगाना पड़ता है जो आपके द्वारा देखे जाने वाले परिणामों की ओर ले जाते हैं। डीबगिंग एक्सपेरिमेंटल साइंस की तरह है। एक बार जब आपको पता चल जाए कि क्या गलत हो रहा है तो आप अपने प्रोग्राम को संशोधित कर पुनः प्रयास कर सकते हैं। यदि आपकी परिकल्पना सही थी तो आप संशोधन के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं और आप एक वर्किंग प्रोग्राम के करीब और कदम उठा रहे होते हैं। अगर आपकी परिकल्पना गलत थी तो आपको एक नए सिरे से कार्य करना होता है। कुछ लोगों के लिए प्रोग्रामिंग और डिबगिंग एक ही बात है। दरअसल प्रोग्रामिंग धीरे धीरे एक प्रोग्राम को डिबग करने की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक प्रोग्राम उस तरह से रिस्पॉन्स करने लगे जैसा आप चाहते हैं। आइए अब हम फॉर्मल और नेचुरल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस वे भाषाएं होती हैं जो लोग बोलते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच आदि। हालांकि समय के साथ लोगों ने इन भाषाओं को व्याकरण के नियमों के हिसाब से अनुशासित किया, लेकिन ये भाषाएं स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। फॉर्मल लैंग्वेजेस ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें विशिष्ट अनुप्रयोगों या स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए लोगों द्वारा डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, गणितज्ञों का नंबर्स और सिंबल्स के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा फॉर्मल लैंग्वेज है। उसी प्रकार केमिस्ट द्वारा मॉलिक्यूल्स के केमिकल स्ट्रक्चर को दर्शाने वाली भाषा भी फॉर्मल लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रोसेस को व्यक्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, फॉर्मल लैंग्वेजेस में वाक्य विन्यास या सिंटैक्स के बारे में सख्त नियम है, जैसे कि 3 + 3 = 6 सिंटैक्टिकली करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन 3 = +6 डॉलर नहीं है। उसी प्रकार H2O सिंटैक्स के अनुसार सही रासायनिक नाम है, परंतु 2Z और small z नहीं है। सिंटैक्स रूल्स दो प्रकार के होते हैं, टोकन्स और स्ट्रक्चर। टोकन्स भाषा के मूल तत्व हैं, जैसे शब्द और संख्या और केमिकल एलिमेंट्स। 3 = +6 डॉलर वाले स्टेटमेंट में डॉलर साइन के मैथमेटिकल ऑपरेटर ना होने के कारण यह लीगल टोकन नहीं है। इसी तरह 2ZZ में लीगल टोकन नहीं है, क्योंकि ZZ से केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट को नहीं दर्शाते। दूसरे प्रकार का वाक्य विन्यास नियम या सिंटैक्स रूल स्टेटमेंट की संरचना से संबंधित है, यानी ये नियम टोकन कैसे व्यवस्थित किए जाते हैं इससे संबंधित है। 3 = +6 डॉलर स्टेटमेंट संरचनात्मक रूप से इलीगल या अवैध है, क्योंकि इक्वल टू चिन्ह के तुरंत बाद प्लस साइन नहीं हो सकता।
इसी प्रकार आणविक सूत्रों को तत्व नाम के बाद सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए, पहले नहीं। जब आप अंग्रेजी में एक वाक्य या फॉर्मल लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको यह समझना होगा कि वाक्य की संरचना क्या है। हालांकि एक नेचुरल लैंग्वेज में आप यह अनजाने में करते हैं। इस प्रक्रिया को पार्सिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप वाक्य सुनते हैं, दूसरा जूता गिर गया, आप समझते हैं कि दूसरा जूता विषय है और गिर गया क्रिया है। एक बार जब आप एक वाक्य का विश्लेषण कर लेते हैं तो आप यह समझने लगते हैं कि उसका अर्थ क्या है, सिंटेक्स का सेमेंटिक्स क्या है। यह मानते हुए कि आप जानते हैं कि जूता क्या है और इसका क्या मतलब है, आप इस वाक्य के सामान्य निहितार्थ को समझेंगे। हालांकि फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेजेस में काफी समानताएं हैं, जैसे टोकन्स, संरचना यानी स्ट्रक्चर, सिंटेक्स यानी वाक्य विन्यास और सेमेंटिक्स यानी शब्दों के अर्थ की विद्या। पर इसमें कुछ प्रमुख अंतर भी हैं, जैसे एम्बिग्युटी। एम्बिग्युटी का अर्थ है एक अभिव्यक्ति को दो या दो से अधिक विशिष्ट तरीकों से व्याख्या करने की संभावना। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के सेंटेंस की बात करते हैं, द लेडी हिट द मैन विद एन अम्ब्रेला। इस वाक्य में दो अर्थ निकलते हैं, द लेडी इज यूजिंग एन अम्ब्रेला टू हिट द मैन और द लेडी इज हिटिंग द मैन हु इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, या फिर आई प्रोमिस आई विल गिव यू अ रिंग टुमारो। इस वाक्य में स्पष्ट नहीं है कि रिंग अर्थात अंगूठी की बात की जा रही है कि रिंग अर्थात कॉल करने की बात की जा रही है। प्रासंगिक संकेतों और अन्य जानकारी के उपयोग करके ही स्पष्ट हो सकता है कि किस संदर्भ में बात की जा रही है। नेचुरल लैंग्वेजेस अस्पष्टता यानी एम्बिग्यूटी से भरी होती है, जिससे लोग प्रासंगिक संकेतों और अन्य जानकारी के उपयोग करके निपटते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस को लगभग या पूरी तरह से स्पष्ट रूप से किसी भी बात को दर्शाने या समझाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे किसी भी कथन का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी अर्थात अतिरेकता। अस्पष्ट और एम्बिग्युटी से निपटने के लिए नेचुरल लैंग्वेजेस में रिडंडेंसी यानी अतिरेकता होती है। नेचुरल लैंग्वेजेस शब्द बहुल होती हैं, जबकि फॉर्मल लैंग्वेजेस में अनावश्यक शब्द नहीं होते एवं वे अधिक संक्षिप्त हैं। लिटरलनेस यानी अक्षरश या शाब्दिक अर्थ। नेचुरल लैंग्वेजेस में मुहावरों और रूपकों की भरमार होती है और रूपक से भरे होते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस का अर्थ वास्तव में जो लिखा है वही होता है। जो लोग नेचुरल लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं, उनको अक्सर फॉर्मल लैंग्वेजेस में समायोजन करने में कठिनाई होती है। कुछ मामलों में फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेजेस के बीच का अंतर कविता और गद्य के बीच के अंतर जैसा है। पोएट्री में शब्दों को उसके ध्वनियों के साथ साथ उसके अर्थ के लिए भी उपयोग किया जाता है और पूरी कविता एक साथ प्रभाव या भावनात्मक प्रक्रिया उत्पन्न करती है। कविता में जानबूझकर एम्बिग्युटी डाली जाती है। पोर्स, गद्य में शब्दों का शाब्दिक अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है और संरचना अधिक अर्थ योगदान देती है। कविता की तुलना में गद्य विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन इसमें भी एम्बिग्युटी होती है। प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट होता है तथा टोकन और स्ट्रक्चर के विश्लेषण द्वारा पूरी तरह से समझा जा सकता है। प्रोग्राम और कुछ फॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले याद रखें कि औपचारिक भाषाएं प्राकृतिक भाषाओं की तुलना में अधिक डेंस या घनी होती हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें आमतौर पर ऊपर से नीचे बाएं से दाएं नहीं पढ़ा जा सकता। इसके बजाय टोकन की पहचान करके और स्ट्रक्चर की व्याख्या करने के लिए अपने मन से प्रोग्राम को पार्स करना सीखें। अंत में याद रखें, फॉर्मल लैंग्वेजेस में डिटेल्स बहुत माने रखती है। वर्तनी की त्रुटियां और विराम चिन्ह जैसे छोटी चीजें जिन्हें आप नेचुरल लैंग्वेज में इग्नोर कर सकते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में इसकी गुंजाइश नहीं होती है। ट्रेडिशनली लोगों को एक नई भाषा में लिखने के लिए पहले कार्यक्रम को हेलो वर्ड कहते हैं, क्योंकि यह प्रोग्राम हेलो वर्ड शब्द स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है।
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यह प्रोग्राम कुछ इस तरह से दिखता है। यह सरल प्रोग्राम में कई विशेषताएं हैं जो शुरुआती प्रोग्रामर्स के लिए कठिन हो सकती हैं। अभी के लिए हम उनमें से कुछ को, जैसे कि प्रोग्राम की पहली दो लाइन को, अनदेखा करेंगे। तीसरी पंक्ति में हैश और एस्ट्रिक के साथ शुरू होती है और हैश और एस्ट्रिक के साथ खत्म हो जाती है, जो इंगित करती है यह एक कमेंट या टिप्पणी है। कमेंट इंग्लिश टेक्स्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आप एक प्रोग्राम के बीच में डाल सकते हैं, आमतौर पर यह समझने के लिए कि कार्यक्रम या प्रोग्राम क्या करता है। जब कंपाइलर एक स्लैश और एस्ट्रिक देखता है तो वहां से सब कुछ अनदेखा करता है जब तक कि दोबारा एस्ट्रिक और हैश ना आ जाए। आगे की पंक्ति में आप मेन शब्द को देखते हैं। मेन एक विशेष नाम है जो प्रोग्राम में उस स्थान को इंगित करता है जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। जब प्रोग्राम रन करता है तो एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है और तब तक जारी रहता है जब तक कि लास्ट स्टेटमेंट नहीं पहुंच जाता। लास्ट स्टेटमेंट के आने में प्रोग्राम क्विट हो जाता है। मेन फंक्शन के बाद लिखे जाने वाले स्टेटमेंट की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उदाहरण में केवल दो ही इंस्ट्रक्शन शामिल है। पहला आउटपुट स्टेटमेंट है जिसका अर्थ यह है कि स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित करता है या प्रिंट करता है। दूसरा कथन ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हमारे प्रोग्राम सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो गया है। स्क्रीन पर टेक्स्ट को प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट प्रिंटएफ है और कोटेशन मार्क या उद्धरण चिन्हों के बीच टेक्स्ट प्रिंट होते हैं। अंतिम करेक्टर के बाद आपको स्लैश एन दिखाई देगा। यह एक स्पेशल करेक्टर है जिसे न्यू के डिस्प्ले को अगली पंक्ति में ले जाने का कारण बनता है। अगली बार जब आप कुछ आउटपुट करते हैं तो अगली पंक्ति में नया टेक्स्ट दिखाई देगा। स्टेटमेंट के अंत में एक सेमीकोलन या अर्धविराम है जो प्रत्येक स्टेटमेंट के अंत में आवश्यक है। इस प्रोग्राम के सिंटेक्स या वाक्य विन्यास के बारे में आपको कुछ और चीजें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चीजों को समूहबद्ध करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का उपयोग करती है। इस मामले में आउटपुट स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, जो दर्शाता है कि यह मेन के अंदर डिफाइंड है। साथ ही स्टेटमेंट के इंडेंट पर भी ध्यान देने से पता चलता है कि कौन सा स्टेटमेंट किस फंक्शन का हिस्सा है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने अपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अनुसार प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने की जानकारी है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, सी कंपाइलर सिंटेक्स या वाक्य विन्यासों में कोई भी गलती स्वीकार नहीं करता है। यदि आप प्रोग्राम में टाइप करते समय कोई त्रुटि करते हैं तो संभावना है कि यह सफलतापूर्वक कंपाइल नहीं होगा। यदि आप stdio.h की स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो आपको निम्न जैसी त्रुटि संदेश मिल सकते हैं। इस एरर मैसेज में बहुत सारी जानकारियां छुपी हैं, लेकिन इसे एक डेंस फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया है जिससे इसकी व्याख्या करना आसान नहीं है। यूजर फ्रेंडली कंपाइलर इस एरर मैसेज को कुछ इस तरह से कह सकता, हेलो वर्ड डॉट सी नाम की सोर्स कोड फाइल की लाइन नंबर 1 पर आपने sdtio.h नाम की एक हेडर फाइल शामिल करने का प्रयास किया है। मुझे उस नाम से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुझे stdio.h नाम की फाइल मिली है। क्या आपने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दी है? दुर्भाग्यवश केवल कुछ ही कंपाइलर इतने फ्रेंडली होते हैं। कंपाइलर वास्तव में बहुत स्मार्ट नहीं होते हैं और ज़्यादातर मामलों में आपको जो एरर मैसेज मिलता है वो आपके द्वारा प्रोग्रामिंग में की गई गलती की तरफ इशारा भर करेगा। कंपाइलर के संदेशों की व्याख्या करना सीखने में आपको कुछ समय लगेगा। फिर भी कंपाइलर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स या वाक्य विन्यास नियमों को सीखने के लिए एक उपयोगी टूल साबित हो सकता है। एक छोटे से प्रोग्राम जैसे हेलो वर्ड डॉट सी से शुरू करें। इसमें विभिन्न तरीकों से संशोधन करें और देखें क्या होता है। अगर आपको कोई त्रुटि संदेश मिलता है तो याद रखने की कोशिश करें कि संदेश क्या कहता है और इसका कारण क्या हुआ। इसलिए यदि आप भविष्य में इसे फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या अर्थ है। आज की इस चर्चा में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में जाना, हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच के अंदर को भी जाना, हमने प्रोग्राम और डिबगिंग को परिभाषित किया तथा हमने एक सिंपल सी प्रोग्राम भी लिखा। अगले लेक्चर में हम वेरिएबल और उनके टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।